Unacademy channel. Aaj main baat karunga aapke saath wo hai QRSAM missile ke regard. Ye jo title hai Demilitarized Zone. Is title jo title hai ye Demilitarized Zone. Is title mein aapko defense ke regarding jo bhi updates rehti hain, jo bhi kuch current news rehti hain, defense ke bare mein aap jo janna chahte ho, wo puri information jo hai wo cover hongi. हर एक चीज के बारे में आपको पता चलेगा कि डिफेंस में अगर मिसाइल्स हैं कौन-कौन सी मिसाइल्स हैं, अगर नेवी में आईएनएस हैं इंडियन नेवी शिप जिन्हें हम कहते हैं कौन-कौन सी नेवी शिप्स हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फुल फ्लेज कंप्लीट डिफेंस की इंफॉर्मेशन इन डिटेल. आज मैं बात करने वाला हूं आपके साथ QRSAM मिसाइल के बारे में. बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी इसकी एक तरीके से टेस्टिंग हुई है और ये कंप्लीट डेवलप हो चुका है. हर एक चीज के बारे में बहुत डिटेल में बताता हूं. वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखना क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत काम आएगा आपके एग्जाम में भी, एसएसपी में भी और नॉलेज को एनहांस करने. हर एक चीज जो इसमें बताई जाएगी वो एग्जाम ओरिएंटेड भी होगी और आपके नॉलेज को एनहांस करने के लिए भी. QRSAM ये एक शॉर्ट फॉर्म है. इसकी फुल फॉर्म जो मैं बोल रहा हूं यहां पे ध्यान से देखिएगा, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल. ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है. और ये जो यहां पे मैंने पिक ली है ये QRSAM मिसाइल की पिक है. इतनी बात दिमाग में रखिए, ठीक है. तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या है ये QRSAM. इस मिसाइल के बारे में जानते हैं क्या है ये QRSAM. चलिए बेरोचो देखिए QRSAM मिसाइल को समझने से पहले ये मिसाइल की मैंने एक फिगर ली है. मिसाइल के अंदर क्या क्या होता है उसके पार्ट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, पहले एक मिसाइल का ओवरव्यू पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. मिसाइल में टॉप से लेके एंड तक क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि मैंने बोला कि इस लेक्चर में आपको क्या मिलेगा, फुल फ्लेज नॉलेज अबाउट टॉपिक. जो टॉपिक होगा उसका पूरा का पूरा ज्ञान मिलेगा. तो ज्ञान में ये चीज जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिसाइल में क्या क्या पार्ट रहते हैं. मिसाइल में अगर प्यारे बच्चों मैं बात करता हूं, यहां पे टॉप लेवल पे होता है इग्निटर, उसके बाद यहां पे होता है ये जो लेवल, ये जो चीज है ये सेंटर ट्यूब. ये मैंने पिक जो ली है एक तरीके से विकिपीडिया से ली है ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए हर एक चीज, ठीक है. और मिसाइल के यहां पे होता है बार हेड. क्या होता है, वार हेड. और यहां पे मिसाइल कंट्रोल एक तरीके से इक्विपमेंट रूम होता है. ये वाला जो एरिया होता है ये मिसाइल कंट्रोल इक्विपमेंट रूम होता है. और यहां पे ये जो चीज एरिया होता है ये फ्यूल टैंक होता है, ठीक है. और यहां पे सिलेंडर की एक सक्शन लाइन होती है. इतनी बात दिमाग में रखिएगा, यहां पे फ्यूल टैंक होता है. उसके बाद जो मिसाइल एक तरीके से जब लॉन्च होती है, फर्स्ट स्टेप जो होता है जहां पे जो सॉलिड हम यूज करते हैं, सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल जो यूज करते हैं, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे जो फ्यूल होता है, उसके बाद इग्निटर होता है, वो कंबस्ट करता है उस फ्यूल को. फिर जो फ्यूल इस सिलेंडर में होता है वो नीचे जाता है. इतनी बात दिमाग में रखिएगा, जहां पे कंबेशन चैम्बर होता है, चैम्बर में जाने के बाद फिर क्या होता है, एक तरीके से एग्जॉस्ट होता है और जो आपकी मिसाइल है वो एक तरीके से लॉन्च होती है. इतनी बात दिमाग में रखिएगा, ये सारा एक बेसिक सा प्रोसेस रहता है, ठीक है. तो आपको ये पार्ट पता होने इंपॉर्टेंट है, कहां पे फ्यूल लाइन होती है, कहां पे इंजन होता है, ठीक है. ये सारी चीजें, ये इंजन होता है मिसाइल का, जो इंजन होता है यहां पे ये इंजन होता है. इतनी बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है. और ये प्यारे बच्चों ये स्पॉइलर होता है, ये थ्रस्टर होता है, ये आपको पता होना इंपॉर्टेंट है. दिमाग में रखिए मिसाइल का ये है एक बेसिक पार्ट. बेसिक पार्ट के बारे में आपको पता होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आप पढ़ने जा रहे हैं पहले उसके बारे में पता तो हो कि उसके अंदर होता क्या क्या है, उसके पार्ट क्या होते हैं. आप बड़े ध्यान से ये पार्ट को अच्छे तरीके से देख सकते हैं. अब हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है QRSAM के बारे में. देखिए बेरोचों, QRSAM जो मिसाइल है जिसकी फुल फॉर्म है शॉर्ट रेंज सरफेस, क्या है इसकी फुल फॉर्म क्या है प्यारे बच्चों, शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल, ये QRSAM है. बट QRSAM की जो फुल फॉर्म है वो है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल. इतनी बात दिमाग में रखिएगा. ये जो QRSAM मिसाइल है इसे डेवलप किया गया था किसके द्वारा, DRDO के द्वारा. QRSAM जो मिसाइल है इसे डेवलप किया गया DRDO के द्वारा.
किसकी एसोसिएशन के साथ, एसोसिएशन विद बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड भारत डायनेमिक लिमिटेड बीडीएल, दिमाग में रखिएगा। क्यू आर एस ए एम को, इस मिसाइल को डेवलप किया गया डीआरडीओ के द्वारा इन एसोसिएशन विद बीईएल, मींस डीआरडीओ के द्वारा इसे डेवलप किया गया। किसके साथ एसोसिएशन ली गई, इन्होंने एसोसिएशन ली थी बीएल एंड बीडीएल के साथ एसोसिएट करके इस मिसाइल को क्या किया गया, डेवलप किया गया। इतनी बात दिमाग में रखिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज बताऊंगा इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसकी हर एक चीज के बारे में, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि जो क्यू आर एस एम मिसाइल है इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। और ये कौन सी मिसाइल है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, इतनी बात दिमाग में रखिएगा। अब प्यारे बच्चों, जो डेवलप किया गया किसके द्वारा किया गया, डीआरडीओ के द्वारा एंड एसोसिएशन विद बीईएल एंड बीडीएल के द्वारा, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इसके बारे में मैं थोड़े से कुछ पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों मैं डीआरडीओ की बात करता हूं, इसकी जो फुल फॉर्म है आपको पता होनी चाहिए, इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस, यहां पे लिख रहा हूं पता हो, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है प्यारे बच्चों, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो हम पूरी कंप्लीट बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की फुल फॉर्म है, ठीक है। और डीआरडीओ कब फाउंड हुई थी, डीआरडीओ फाउंड हुई थी 1958 में, कब फाउंड हुई थी 1958 में डीआरडीओ फाउंड हुई थी। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पे है, डीआरडीओ का जो प्यारे बच्चों हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, कहां पे है, न्यू दिल्ली में डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है, पता होना चाहिए आप सभी बच्चों को। उसके बाद इसका मोटो क्या है, इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, ये इसका मोटो है, इतनी बात दिमाग में रखिएगा, स्ट्रेंथ ओरिजिन ओके इज इन साइंस। अब ये जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इस टॉपिक से आपको स्टैटिक भी क्लियर होगा, डीआरडीओ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, क्या फुल फॉर्म है, कब फाउंड हुई, क्या हेडक्वार्टर है, क्या मोटो है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आपके नॉलेज को एनहांस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों इसके चेयरमैन का नाम क्या है, इनके चेयरमैन जो डीआरडीओ का नाम है उनका डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, दिमाग में रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ। और जो डीआरडीओ है किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रहती है, अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इतनी बात दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो डीआरडीओ के बारे में आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी डिफेंस रिगार्डिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है वो मोस्टली डीआरडीओ के द्वारा की जाती है, इतनी बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। उसके बाद यहां पे दो आपके एक तरीके से कह सकते हैं पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एक है बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है, एक है बीडीएल भारत डायनेमिक लिमिटेड, दोनों की फुल फॉर्म आपको पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बात दिमाग में रखिएगा। उसके बाद जो बीईएल है इसकी इंडिया में 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडिया में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु कर्नाटका में, कहां पे इसका हेडक्वार्टर, बेंगलोर कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है, इतनी बात दिमाग में रखेगा। और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है एमबी, ठीक है, एमबी गोफ्टामा, ये इसके एमडी एंड चेयरमैन है बीईएल के भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के, ये बात दिमाग में रखेगा। और भारत डायनेमिक लिमिटेड जो है प्यारे बच्चों ये जो फाउंड हुई थी 1970 में हुई थी, और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 1954 में फाउंड हुई थी, ये बात दिमाग में रखेगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों जो भारत डायनेमिक लिमिटेड है इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद में, कहां पे, हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, आपको ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और ये जो भारत डायनेमिक लिमिटेड है ये इंडिया का मैन्युफैक्चरर है, किसके लिए, एम्युनिशंस के लिए एंड मिसाइल सिस्टम के लिए, भारत डायनेमिक लिमिटेड जो कंपनी है ये इंडिया का मैन्युफैक्चरर है एक तरीके से एम्युनिशंस के लिए और मिसाइल सिस्टम के, यह बात दिमाग में रखिएगा। तो बेसिक इंफॉर्मेशन डीआरडीओ बीईएल एंड बीडीएल की जो आपको पता होनी चाहिए एग्जाम ओरिएंटेड भी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, देखिए अब हम बात करते हैं क्यू आर एस ए एम की हिस्ट्री के बारे में, देखते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, जानते हैं कि एक्चुअली में ये मिसाइल किस तरीके से क्या हुआ, पूरी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं प्यारे बच्चों। जो आपकी क्यू आर एस ए एम मिसाइल है,
ठीक है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये मिसाइल जो है एक तरीके से रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है किसका, जो ऑब्सोलीटी क्वासा एके एंड कब्दरत मिसाइल सिस्टम का, इतनी बात दिमाग में रखिएगा। इस मिसाइल सिस्टम का ये एक क्या है, रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है। प्यारे बच्चों ये जो ओसा एके एंड कवाद्रत मिसाइल सिस्टम है, अगर मैं इसकी बात करता हूं ओसा एके, ठीक है, ये जो मिसाइल थी एक तरीके से ये हाईली मोबाइल लो एल्टीट्यूड शॉर्ट रेंज टेक्टिकल शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम था जो डेवलप किया गया था किसके द्वारा, रशिया के द्वारा, सोवियत यूनियन के द्वारा, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 1971 से ये प्रेजेंट था, ठीक है, इतनी बात दिमाग। और इसका ही एक तरीके से जो रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है वो है QRSAM, इनका रिप्लेसमेंट प्रोग्राम जो है वो है QRSAM, इतनी बात दिमाग में रखेगा, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हिस्ट्री इसकी ये है प्यारे बच्चों, इनिशिएट में जब ग्लोबल एक्विजिशन प्रोग्राम हुआ था इस QRSAM का फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, वो हुआ था सितंबर 2007 में, ठीक है, ये बात हमारा 2007 में सबसे पहले QRSAM मिसाइल का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक्विजिशन प्रोग्राम हुआ था, सबसे पहले इनिशिएट किया गया था। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, कुछ वेंडर सही नहीं मिल रहे थे या इस तरीके से जो आगे कार्रवाई, मतलब हम कह सकते हैं आगे प्रोग्राम नहीं चला। फिर उसके बाद DRDO का जो प्रोजेक्ट था डेवलप करना QRS, वो सेंक्शन हुआ जुलाई 2014 में, ठीक है, कब हुआ, जुलाई 2014 में DRDO का जो प्रोजेक्ट था QRSAM को डेवलप करने का, वो सेक्शन हुआ जुलाई 2014 में और बजट रहा 476.43 करोड़, इतना बजट सेंक्शन हुआ QRSAM को जुलाई 2014 में, एक तरीके से सेंक्शन किया गया। और इस मिसाइल को डेवलप किया गया BEL एंड BDL के एसोसिएशन के साथ, इतनी बात दिमाग में रखेगा, DRDO ने एसोसिएट किया BEL के साथ एंड BDL के साथ, फिर इस मिसाइल को डेवलप किया गया। अगर मैं हिस्ट्री को बिल्कुल शॉर्ट में करूं तो प्यारे बच्चों पहले जो मिसाइल थी, ये जो मिसाइल थी कब्दरत मिसाइल सिस्टम और क्वासा एके मिसाइल सिस्टम, ठीक है, ये बहुत पुरानी हो चुकी थी, जिसकी वजह से QRSAM लाई गई, उसका रिप्लेसमेंट प्रोग्राम बनाया गया इन मिसाइल्स का। और स्टार्टिंग में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सितंबर 2007 में एक तरीके से QRSAM के लिए एक्विजिशन प्रोग्राम इनिशिएट किया था, बट सही प्रॉपर वे से वेंडर ना मिलने की वजह से वो प्रोग्राम आगे नहीं चल पाया। उसके बाद DRDO ने जो प्रोजेक्ट था डेवलप करना QRSAM को, वो सेंक्शन हुआ जुलाई 2014 में, बजट था 476.43 करोड़, और इस मिसाइल को डेवलप किया गया एसोसिएशन विद BEL एंड BDL के साथ। ये इसकी हिस्ट्री थी, इतनी बात दिमाग में रखिएगा। अब इस मिसाइल के बारे में जानते हैं, देखिए प्यारे बच्चों ये है मिसाइल, ये क्या है, मिसाइल QRSAM मिसाइल है आपकी, QRSAM। अब इस मिसाइल के कुछ चीजों को जानते हैं, ये मिसाइल क्या क्या, इसके अगर हम बोले डिस्क्रिप्शन के बारे में, सिंपल हम जानते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में जानते हैं कि इस मिसाइल में है क्या क्या। तो देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले ये जो मिसाइल है ऑल वेदर मिसाइल है, सभी वेदर में चलने वाली मिसाइल है, ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है जो किसके साथ इक्विप्ड है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के साथ इक्विप्ड है, इतनी बात दिमाग में रखिएगा। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आ रहा है कि ये है क्या चीज, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स क्या है। प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर का मतलब होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो डिजाइन की जाती है, एक तरीके से ट्रिक होता है या धोखा देना रडार को, सुनार को, या कोई भी डिटेक्शन सिस्टम है, ठीक है, उनको धोखा देना ताकि ये रडार में ना आ जाएं, ठीक है, ताकि इंफ्रारेड लेजर इन रडार में डिटेक्ट ना हो, इसलिए ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसे माउंटेड कर सकते हैं ट्रक्स जो होते हैं और इसे स्टोर कर सकते हैं कैनिस्टर में, इतनी बात दिमाग में रखिएगा। आप अगर पिक देखेंगे गूगल में ट्रक्स में, जो मिलिट्री के ट्रक होते हैं, ठीक है, उसमें माउंटेड करके भी इसे एक तरीके से लॉन्च कर सकते हैं और इसे कैनिस्टर में भी स्टोर कर सकते हैं, ये बात दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्यारे बच्चों आगे देखिए, इसमें जो फ्यूल यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट, कौन सा, सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट। अब प्यारे बच्चों ये जो सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट है इसका मेन रोल क्या होता है, क्यों ये फ्यूल सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट यूज किया जाता है, इसका मेन मोटो होता है जो रॉकेट के मास का रिएक्शन होगा उसके लिए मोस्टली एक तरीके से हम ये यूज करते हैं सॉलिड फ्यूल,
ठीक है, इतनी बात दिमाग में रखिएगा कि जो एजेक्ट, जब मिसाइल एजेक्ट होगी, जब मिसाइल क्या होगी, एजेक्ट होगी, उस टाइम जो रिएक्शन होगा मास का, वो सबसे ज्यादा हाई वेलोसिटी अचीव कर रहे, इसलिए एक तरीके से हम सॉलिड फ्यूल को यूज करते हैं, इतनी बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा थ्रस्ट जो है वो प्रोड्यूस हो और रॉकेट एक तरीके से हाई वेलोसिटी पे अचीवेबल हो, ठीक है, इसलिए हम सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट यूज करते हैं। और इसकी जो रेंज है वो है 25 से लेकर 30 किलोमीटर तक, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें कैपेबिलिटी है, जब इसे लॉन्च किया जा रहा है और मूव कर रही है, इसमें कैपेबिलिटी है कि ये टारगेट को सर्च भी कर सकती है और ट्रैक भी कर सकती है, ये इसमें एक तरीके से कैपेबिलिटी है। और इसमें 2 फॉरवर्ड रडार्स लगाए गए हैं, इसमें 2 फॉरवर्ड क्या लगाए गए हैं, रडार्स लगाए गए हैं, इतनी बात दिमाग में रखिएगा, ये इसकी क्या है, एक तरीके से डिस्क्रिप्शन है जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद प्यारे बच्चों इसकी टेस्टिंग देखते हैं कि कब से इसकी टेस्टिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और कब तक, अभी जो लेटेस्ट टेस्टिंग हुई है 23 दिसंबर 2019 को, जिसे हम कह सकते हैं जेस्टरडे, ठीक है, जेस्टरडे से एक दिन पहले अगर हम बोले, ठीक है, डे बिफोर जेस्टरडे। तो आगे देखिए मेरे बच्चों, जो टेस्ट कंडक्टेड हुआ वो कहां से हुआ है, ये टेस्टिंग की मैंने फिगर ली है विकिपीडिया से आपको बताने के लिए, ये जो टेस्टिंग हुई है 23 दिसंबर 2019 को, ये टेस्ट कंडक्टेड किया गया ITR इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंडीपुर उड़ीसा से किया गया, ये आप देख सकते हैं QRSAM की जो टेस्टिंग हुई है। अब टेस्टिंग की डिटेल देखिए, ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट टेस्टिंग हुई थी, फर्स्ट टेस्टिंग जो हुई थी प्यारे बच्चों, वो हुई थी कब, वो हुई थी 4 जून 2017 को, 4 जून 2017 को फर्स्ट टेस्टिंग हुई थी इस मिसाइल की, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड टेस्टिंग हुई थी, ये हुई थी सेकेंड और ये हुई थी फर्स्ट, ये सक्सेसफुल थी। सेकेंड टेस्टिंग हुई थी 3 जुलाई 2017 को, उसके बाद 22 दिसंबर 2017 को भी टेस्टिंग हुई थी, बट वो एक तरीके से फेल्ड थी, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। उसके बाद जो फोर्थ टेस्टिंग हुई थी वो हुई थी 4 अगस्त 2019 को। उसके बाद प्यारे बच्चों, ठीक है, नहीं, फोर्थ टेस्टिंग जहां से एरो चल रहा है ना आपका, ये फोर्थ टेस्टिंग नहीं है, फोर्थ टेस्टिंग आपकी ये हुई है, उसके बाद 2017 के बाद 18 आएगा ना, तो फोर्थ टेस्टिंग आपकी हुई थी 8 अक्टूबर 2018 को। उसके बाद प्यारे बच्चों जो फिफ्थ टेस्टिंग हुई थी वो हुई थी 26 फेब 2019 को, और जो सिक्स्थ टेस्टिंग हुई थी वो हुई थी 4 अगस्त 2019 को। उसके बाद जो अभी फाइनल टेस्टिंग हुई है, जिसे हम एक तरीके से कह सकते हैं सेवंथ जो टेस्टिंग हुई है इसकी, अभी लेटेस्ट 23 दिसंबर 2019 को हुई है, कहां से, ITR चंडीपुर उड़ीसा से हुई है, यह बात दिमाग में रखेगा। और एक तरीके से इस टेस्टिंग के बाद ये चीज डिक्लेयर कर दी गई है कि जो डेवलपमेंट है मिसाइल की वो एक तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, डेवलपमेंट जो है मिसाइल की कंप्लीट हो चुकी है, और इस मिसाइल को प्लान्ड है सर्विस में लाने का 2021 में, इतनी बात दिमाग में रखेगा। और ये जो टेस्टिंग हुई थी इसमें स्ट्राइक रेंज जो थी वो थी 30 किलोमीटर, और ये जो टेस्टिंग हुई थी इसमें 2 फायरिंग की गई थी मिसाइल्स की, ठीक है, 2 फायरिंग इंक्लूड थी इसमें, 2 फायरिंग मिसाइल्स की गई थी, दिमाग में रखेगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा का सारा QRSAM मिसाइल के रिगार्डिंग था, कब कब टेस्टिंग हुई थी, इस मिसाइल के फीचर क्या है, DRDO क्या है, BEL क्या है। आई होप QRSAM मिसाइल क्या है सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी, सरफेस टू एयर मिसाइल है, टेस्टिंग कब कब हुई थी, अभी जो टेस्टिंग हुई है 23 दिसंबर को, फीचर्स बता दिए हैं, क्या क्या इसके फीचर हैं, और स्टार्टिंग में मिसाइल के पार्ट्स मैंने बताए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये जो लेक्चर है अच्छे से सारा का सारा समझ लग गया होगा, ठीक है, अच्छे से सारा का सारा लेक्चर आपको समझ लग गया होगा। और फर्दर जो भी लेक्चर्स आएंगे पूरे डिटेल में होंगे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेंगे हम डिफेंस रिगार्डिंग, ताकि आपको डिफेंस की न्यूज अच्छे से पता चल सके और डिफेंस के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा जान सकें, ताकि आपका जो एक तरीके से क्यूरियसिटी है डिफेंस में जाने की वो ज्यादा बढ़े, और डिफेंस के पेपर में भी आपके ये नॉलेज काम आएगी, SSB में भी काम आएगी, इतनी बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। बाकी आप मेरे लेक्चर अनअकैडमी प्लस में देख ही सकते हैं, CDS और इन OTA का क्रैश कोर्स ये सारे लॉन्च हो चुके हैं, आप आ सकते हैं, वहां पे क्लासेस ले सकते हैं। ओके, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।